अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 दिसंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड छात्रों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आज एक आपके सामने बड़ी अपडेट निकल कर आने वाली है, क्योंकि यूपी टीईटी परीक्षा कराए जाने के संबंध में परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक आज होने वाली है। तय हो सकती है समय सारिणी और प्रमाण पत्र की वैधता। जी हाँ दोस्तों, प्रमाण पत्र की वैधता मतलब, जैसे कि आपको पता होगा कि जो सीटेट की वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम कर दिया गया, मतलब आजीवन अब मान्य रहेगा। वैसे दोस्तों, हो सकता है कि आज यूपी टेट का भी मामला क्लियर हो जाए कि दोस्तों जो यूपी टेट का पेपर देंगे उसकी वैलिडिटी कुछ सालों की होगी या लाइफ टाइम होगी। और जो समय सारिणी है दोस्तों कि कब से मतलब इसके आवेदन लिए जाएंगे, आज सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो गाइस, जितना देरी से पेपर होगा यूपी टेट का, उतना ही अधिक फायदा डीएलएड छात्रों को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी डीएलएड 2019 बैच के छात्रों का भाई सेशन कंप्लीट तो हुआ नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर नई भर्ती निकल आई तो सीधी सी बात है 2019 का पूरा बैच नई भर्ती से बाहर हो जाएगा। तो मतलब लाखों छात्र जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं ना, वो बाहर हो जाएंगे, इनको मौका तक नहीं मिलेगा। तो जितना दोस्तों लेट से यूपी टेट का पेपर होगा, उतना ही फायदा दोस्तों डीएलएड 2019 बैच के छात्रों को मिलेगा। अब बात करेंगे डीएलएड परिणाम को लेकर। क्या डीएलएड का परिणाम घोषित हो चुका है? अगर हो चुका है तो कैसे आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे, उस पर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ और अपडेट जो कि आपके सामने हम रखते हैं। पहले बीएड में सीधे दाखिले से सिर्फ 4000 प्रवेश हुए। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतने बुरे दिन आ गए बीएड के कि डायरेक्ट एडमिशन में सिर्फ 4000 प्रवेश। उसके आगे की अपडेट देखिए, 80000 सीट खाली रहने की आशंका हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतने ज्यादा बुरे दिन बीएड के आ चुके हैं, तो सोचिए डीएलएड की क्या हालत होगी। बीएड में ऐसी हालत है दोस्तों, अगर डीएलएड में एडमिशन लिए जाए तो क्या होगा। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट, बेसिक शिक्षा परिषद में 69000 भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी। जी हाँ गाइस, अभी तक दोस्तों ये धरना चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना है। हर दिन हम आपके सामने अपडेट को रखते हैं, लेकिन इनकी बात अभी तक सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगली अपडेट उच्च शिक्षा को लेकर आई। यूपी में नए साल पर शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। जानिए कितने पदों पर होगी भर्ती, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और अपडेट आई कि 5 साल सेवा न देने वाले बेसिक शिक्षकों के गैर जनपद तबादले के आवेदन रद्द हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इस समय ट्रांसफर वाला मैटर चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी नौकरी तो लग जाएगी आगे चलकर, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको आपके घर से काफी दूर नौकरी मिले, तो फिर आपकी भाई एक ही मंशा होगी कि कैसे ना कैसे आपकी भाई घर वापसी हो जाए, कि आपको अपने जिले में नौकरी मिले, ठीक ठाक रहेगा ना, कि परिवार को समय दे पाएंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि आपका आधा परिवार यहाँ रहेगा और आपका आधा परिवार बाहर रहेगा। उसके बाद एक और अपडेट सीटेट को लेकर। सीटेट के प्रवेश पत्र जनवरी में होंगे अपलोड, 31 जनवरी को होना है एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, सीटेट एडमिट कार्ड को लेकर मतलब बच्चे काफी परेशान हो रहे थे, तो इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अभी अगली अपडेट आई दोस्तों, ये है बीएड के बाद के बेहतरीन करियर विकल्प, खुलते हैं अच्छे करियर के ढेरों मार्ग। जी हाँ दोस्तों, बीएड की कुछ तारीफें की जा रही हैं। देखिए, पर एडमिशन हो नहीं रहे तो भाई बीएड की तारीफें पर तारीफ चल रही है ऑनलाइन, तो इसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपके घर में भाई बहन या कोई दोस्त यार बीएड करना चाहते हैं तो उनको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट को इस वीडियो में कवर करेंगे। डीएलएड 2017-18-19 बैच की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। डीएलएड 2 तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2020 डाउनलोड कैसे करें, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक और अच्छी अपडेट दोस्तों हम आपके सामने पहले रख देते हैं कि दोस्तों जो हमारा मतलब ऑनलाइन अभी तक प्रैक्टिकल के नंबर सबमिट हो रहे थे, जो कि हमने पहले भी दिखाया था, बीटीसी 2015 बैच से लेकर 18 बैच फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर सबमिट प्रैक्टिकल के नंबर जो थे वो 19 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक अपलोड होने थे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज मेंशन किया गया, क्लोज्ड। मतलब दोस्तों, अगर किसी कॉलेज वालों ने आपके प्रैक्टिकल के नंबर ऑनलाइन सबमिट नहीं किया होगा तो अब वो सबमिट भी नहीं किया जा पाएगा। तो क्योंकि जो भी सबमिशन था दोस्तों, वो यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन किया गया, वो बंद हो चुका है। तो मतलब क्लियर है कि अब किसी भी समय डीएलएड का परिणाम घोषित हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज की हम सारी अपडेट को देखते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात हो रही थी हमारी यूपी टेट को लेकर। तो दोस्तों, यूपी टेट की क्या अपडेट रही? यूपी टेट 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब 9 वर्ष में ही शुरू होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि देखिए शासन ने अभी तक पीएनपी के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है।
बल्कि दोस्तों आज परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक है, इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समय सारणी तय हो सकती है। देरी से निर्णय का असर परीक्षा तारीख पर पड़ सकता है। पहले दोस्तों परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी। यूपीटेट 2020 कराने पर शासन पहले ही सहमति दे चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया था। परीक्षा संस्था ने एक सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम तय किया गया था। साथ ही दोस्तों परीक्षा की तारीख 28 फरवरी तय हुई थी। तो कुल मिला के दोस्तों आज जो बैठक होगा उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा कि क्या कैसे पेपर वेपर होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए अगली अपडेट में हम पहले बात कर लेते हैं सीटेट को लेकर, क्योंकि डीएलएड के लाखों छात्रों ने सीटेट के लिए आवेदन किया होगा। फिलहाल दोस्तों जो ये सीटेट का एग्जाम होगा ये सीटेट 5 जुलाई 2020 वाला होने वाला है। तो क्या अपडेट इसको जरा देखते हैं। सीबीएसई के तत्वाधान 31 जनवरी को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए शहर बदलने का विकल्प दिए जा चुके हैं। बोर्ड जनवरी में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करेगा। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीबीएसई के तत्वाधान केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। साल 2015-16 तक परीक्षा फरवरी और सितंबर में कराई जाती रही थी। इसके बाद दोस्तों यह जून और जनवरी में कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते दोस्तों जून में परीक्षा नहीं हो सकी थी। 31 जनवरी को होना है एग्जाम, ठीक है गाइस। तो कुल मिला के अपडेट है, इसके अपडेट को आगे हम कवर करते रहेंगे। फिलहाल 5 साल सेवा न देने वाले बेसिक शिक्षकों के गैर जनपद तबादले के आवेदन रद्द हो चुके हैं। तो दोस्तों क्या अपडेट है, देखिए होता क्या ना कि जब अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो जब तक दोस्तों आप 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेते तब तक दोस्तों आप ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें होता क्या है, बहुत से बच्चे फर्जी में आवेदन कर देते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ टीचर भी यहाँ पर है। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं, अभी जब आपके लिए सुपर टेट के लिए आवेदन होंगे ना, सुपर टेट वाला एसटेट का, तो उसमें डीएलएड का 2019 बैच का तो फिलहाल अभी के लिए तो मान्य नहीं होगा। अगर मान लेते जल्द से जल्द आवेदन शुरू होता है तो 2019 बैच मान्य नहीं होगा। लेकिन देखिएगा इसमें से भी लाखों छात्र आवेदन कर देंगे। बच्चों को लगता है ना कि चलो आगे कोर्ट का मैटर होगा, शायद कोर्ट केस हो जाए, जीत जाए, ऐसा वैसा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए एक बात और बता दें, लड़कों के लिए 5 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब 5 साल आपको काम करना पड़ेगा तब आपका ट्रांसफर होगा। अगर आप एक लड़की हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 2 साल का कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा। लड़कियों के लिए 2 साल है, लड़कों के लिए 5 साल। अगली अपडेट है दोस्तों, देखिए यूपी में नए साल पर शुरू होगी शिक्षकों की भर्ती। देखिए प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य व सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर भी वैकेंसी आ रही है। विशेषज्ञ पैनल के लिए आवेदन मांगा गया है। देखिए दोस्तों आपके सामने ढेर सारी अपडेट को रखते हैं। देखिए आरक्षण निर्धारण पर चल रहा है मंथन। अभी दोस्तों हम आरक्षण की बात कर ही चुके हैं, तो 69,000 भर्ती के बारे में भी बात कर ली जाए। अपडेट क्या है दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 भर्ती के दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अपडेट है प्रयागराज से, 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षण के मसले पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का बेसिक शिक्षा परिषद में धरना रविवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि 69,000 सीटों के सापेक्ष 4% आरक्षण के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों की, मतलब 2,770 सीटें होनी चाहिए, जबकि 1,673 सीटें ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को दी गई। सरकार ने दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित किया है। अब गाइस देखिए हमारे देश में जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप है उनको भी मतलब आरक्षण नहीं मिल पा रहा, ये मतलब ऐसी दोस्तों नौबत आ चुकी है। आपके सामने ये अपडेट है, कम से कम कुछ नहीं, जो बच्चे मतलब विकलांग होते हैं उनके लिए तो मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए ना। अब अगली अपडेट में दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग, बीएड में सीधे दाखिले से सिर्फ 4,000 प्रवेश हुए, 80,000 सीट खाली रहने की आशंका है। बीएड के प्रति विद्यार्थियों का मोह भंग होता जा रहा है। 4 चरण की काउंसलिंग के बाद महाविद्यालय स्तर पर हुए सीधे दाखिले में सिर्फ 4,000 दाखिले ही हुए हैं। अभी भी दोस्तों 82,000 से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी है। इस साल दोस्तों 2,41,831 में से सिर्फ 1,59,595 सीट ही भर पाई। कई कॉलेज ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 1/4 सीट भी नहीं भर पाई है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए 31 दिसंबर तक का मौका दिया गया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में इन सीटों पर दाखिले होने की उम्मीद कम ही है। स्ववित्त पोषित कॉलेजों पर बढ़ेगा भार। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बीएड कॉलेजों के मानक बेहद कड़े किए हैं, इसलिए दोस्तों वहां निर्धारित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करना जरूरी है। कॉलेज अपने यहां का खर्च और शिक्षकों का वेतन विद्यार्थियों से मिली फीस से ही निकालता है। जब दाखिले ही नहीं होंगे तो फिर फीस कहां से आएगी। ऐसे में कॉलेजों का अर्थशास्त्र गड़बड़ हो सकता है। कई कॉलेज में सिर्फ नाम मात्र के ही दाखिले हुए हैं। अब इन कॉलेजों में जो शिक्षकों के वेतन का संकट भी खड़ा
हो सकता है। एक तो दोस्तों वैसे ही कोरोना काल में टीचरों को सैलरी ठीक ठाक नहीं दी गई, उसके बाद और भी आगे दिक्कतें हो सकती हैं। तो गाइस ये है रिजल्ट वाली वेबसाइट, तो अब किसी भी समय डीएलएड का रिजल्ट घोषित हो सकता है। हो सकता है कि दोस्तों जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक आपका रिजल्ट आ चुका हो। तो गाइस इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में जो लिंक हमने दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप चेक करते रहिए, रिफ्रेश मारते रहिए। जी हाँ दोस्तों, लिंक को ओपन करिए, जो अंदर घुसते हैं ना तो एक बार रिफ्रेश वाली बटन पर क्लिक कर दिया करिए, जिससे दोस्तों कि आपका रिजल्ट आए तो सबसे पहले आप उसको देख सकें। तो समय कम है दोस्तों, रिजल्ट अब किसी भी समय जारी हो सकता है। तो और भी अधिक अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैसे चेक करें रिजल्ट? तो दोस्तों हमने जो लिंक दे रखा है उसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। जरूरत क्या पड़ेगी आपको? एक तो दोस्तों आपको अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ सकती है। काफी बार ऐसा होता है सिर्फ रोल नंबर से आपका रिजल्ट ओपन हो जाता है, काफी बार डेट ऑफ बर्थ भी कंपलसरी होता है। ये दो चीजें दोस्तों, उसके बाद आपने देख लिया भाई बीएड की हालत भी खस्ता है। अब चलिए एक और चीज देख लेते हैं, बीएड के बाद कौन कौन से आपके लिए करियर खुल रहे हैं, क्या दोस्तों मतलब आपको लाभ दिया जा रहा है। शिक्षण का कार्य समाज में काफी उत्कृष्ट कार्य माना जाता है, एक शिक्षक को सबसे ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों आज के समय उन्हें काफी अच्छी सैलरी भी मिल रही है। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड एक बेहतरीन करियर विकल्प है। यह खास तौर पर शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। हाई स्कूल दोस्तों या जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यह डिग्री प्रवेश द्वारा के समान है। आज हम जानेंगे यह पढ़ाई करने के बाद एक युवा के पास कौन कौन से करियर विकल्प होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आपको बीएड के बारे में और भी हम बातें बताते रहेंगे, लेकिन बीएड के बाद आपको दोस्तों ढेर सारे मौके मिलते हैं, ये बात तो कन्फर्म है। ठीक है, पहले दोस्तों बीएड करने के बाद आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलता था, लेकिन योगी सरकार आई उसके बाद दोस्तों मानक को चेंज किया गया। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों रिजल्ट वाला जो लिंक है उसको चेक करिएगा, रिजल्ट आ गया हो तो डाउनलोड करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।